हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथियोसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल एसेंशन टू गॉडहुड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुओ ज़ेंग और मैंग्टियान एक दूसरे की तरफ जा रहे होते हैं अटैक करने के लिए। उन दोनों के हाथ का क्लैश होता है। तो चैप्टर नंबर 142 की स्टार्टिंग होती है। उन दोनों के क्लैश की वजह से मैंग्टियान के मुंह से खून निकला था। वो बोल रहे होते हैं तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग, और वो हंस रहा होता है। वो बोलते हैं कि एक छोटे से वॉरियर ने मैनेज किया मेरे को इंजर करने के लिए, पर तुम चाहे कुछ भी करोगे, तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने इंसेक्ट के अलावा। वो बड़ा गुस्सा होता है। तो जो सीट होल्डर होते हैं फेंग्क्विन और दूसरा, वो बोल रहे होते नहीं, और वो लुओ ज़ेंग और मैंग्टियान के बीच में आके खड़े हो जाते हैं। मैंगचोंग बोल रहे थे पीछे से कि तुम दो चूजों की इतनी हिम्मत, मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमंस नहीं चाहते हैं। जो सीट्स उन्हें मिली है टावर में, वो भी उन सभी को घेर लिया होता है डीमंस ने, तो काफी सिचुएशन ज्यादा खतरनाक होती है। सभी चुप होते हैं। लुओ ज़ेंग बोल रहा था, क्या तुम क्या सोच रहे हो कि तुमने दी है इंसानों को सीट्स, या फिर तुम ये सोच रहे हो कि टावर तुम्हारा है? मैंगटियान बोलता है, बकवास करना बंद करो, क्योंकि तुम्हें मरना है यहाँ पे। तो वहाँ पे कोई आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि ये सही बोल रहा है, ये टावर किसी को बिलोंग नहीं करता है। तुम डीमंस ने हर बार जो बाकी रेसेस है उन्हें इग्नोर किया है। तो मैंगटियान पीछे की देखता है तो वहाँ पे नंबर वन सीट होल्डर आ गई होती है, जिसका नाम होता है लिंग्यान, और वो डीमन नाइट्स की होती है। जो बाकी वॉरियर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं तो डीमन नाइट की लोड है, और ऊपर से फर्स्ट सीट होल्डर है ये इस टावर में लिंग्यान। लिंग्यान आगे की तरफ आ रही होती है, और वो भी जुन के सामने नीचे झुके से ग्रीट करती है, और जो भी उसके साथ आए होते हैं बाकी डेमोनाइट्स, वो भी ग्रीट करते हैं। जुन बोलती है, खड़े हो जाओ। लिंग्यान बोल रही होती है कि जैसा कि आपने कमांड की है हम वैसे करेंगे। वो फिर मैंगटियान को बोलती है कि तुम अपने जो तुमने अभी वर्ड्स बोले हैं। मैंगटियान बोलता है कि लिंग्यान ऐसा क्यों नहीं करते, हम जो डीमंस है वो अपनी 5 सीटों को देने के लिए तैयार है। अगर इस बच्चे को हम मार देंगे तो, अगर ये बच्चा मर जाएगा तो हम 5 सीटें देने के लिए तैयार हैं। ये सुनके ह्यूमन सीट होल्डर्स जो थे वो भी हैरान हो जाते हैं। फेंग्क्विन सोच रहे होते हैं तो बड़ा ग्रेट ऑफर है डेमोनाइट्स के लिए, अगर ये एग्री करेंगे तो लुओ ज़ेंग ऐसे डेड ही नहीं हो जाएगा, पर हम ह्यूमंस के लिए बड़ा ट्रबल होगा। ज़ू ही भी सोच रहा होता है, ये हमारी सीट्स लेने की ट्राई करेंगे जब हम सभी ह्यूमंस को ये मार देंगे। लिंग्यान बोलती है कि तुम्हें मैं क्या बोलूं जिससे तुम समझोगे, ये हमारे किंग के लिए कर रहे हैं हम अपने खुद के जितने वॉरियर्स हैं वो भी लाखों में वॉरियर्स को सैक्रिफाइस कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। तुम समझ रहे हो अब? मैंगटियान बोलता है, क्या इसका ये मतलब है कि डीमन नाइट जो वो बैक नहीं जाएंगे? तो ऐसे चलता रहेगा तो हम दोनों रेसेस के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाएगी। तो लिंग्यान बोलती है, हाँ हम ऐसे ही करेंगे। मैंगटियान हंस रहा होता है बड़ी जोर जोर से, और बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि डीमन नाइट्स ऐसा सोच रहे हैं कि वो बड़ जा स्ट्रॉन्ग हमें ऐसे पुश करने के लिए। लिंग्यान बोलती है कि तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? जो लॉर्ड मी होती है वो बोल रही होती है, लिंग्यान ध्यान से, मेरे को और भाईहुआन को लगता है कि मैंगटियान और बाकी जो डीमन्स है वो कुछ छुपा रहे हैं। नॉर्मली ऐसे हम डीमन नाइट्स स्ट्रॉन्ग है डीमंस से टावर के अंदर, और अगर बार वॉर होगी तो दोनों जो हो लैंड्स हैं डीमंस के और हम डीमोनाइट्स के, वो एक दूसरे की तरफ अटैक करेंगे, और हमारे पास लियोई भी है हमारी तरफ, तो ये जो फाइट होगी मेरे को लगता है टावर के अंदर ही होगी, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है बाहर फाइट करने के लिए। भाईहुआन बोल रही होती है कि बड़ा ज्यादा अजीब है, ये इतने ज्यादा बोल्ड कब से हो गए? लिंग्यान भी बोल रही होती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। मैंगटियान बोलता है कि ओल्ड मास्टर टियान और ओल्ड मास्टर टियान हुई प्लीज आ जाओ यहाँ पे, ये टाइम है तुम्हारे हमारी रेस को हेल्प करने का। तो वहाँ पे दो डीमंस आ जाते हैं। लिंग्यान सोच रही होती है कि टियान क्वान गी और टियान हुई ये मर नहीं गए थे क्या, ये चल क्या रहा है? तो बाकी बोल रहे होते कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो दो वॉर सेंट्स हैं ये टावर में क्या कर रहे हैं? वो दोनों वॉर सेंट्स हंस रहे होते हैं। लुओ ज़ेंग भी सोच रहे होते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। फियर ने तो ऐसे बोला कि जो वॉर सेंट है वो कर्स लैंड में एंटर नहीं कर सकते हैं, और टावर और सीन को तो छोड़ ही दो। लुओ ज़ेंग फिर लिंग्यान की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि ऐसे देखने से तो लग रहा है कि डीमन नाइट्स को भी कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लिंग्यान सोच रही होती है, नहीं ये तो सेंस ही नहीं बना रहा है, ना तो वॉर सेंट्स और ना उनसे स्ट्रॉन्ग कोई भी कर्स लैंड में एंटर नहीं कर सकते हैं। ये जो रूल है ये कभी भी चेंज नहीं हुआ, जो भी ऐसे एंटर करेंगे इस टावर और सीन में वो मर जाएंगे जब से प्लेस अपीयर हुआ यहाँ पे। और इसी कर्स लैंड की ट्रेड की वजह से बड़ा ज्यादा टेलीपोर्टेशन अरेज को क्रिएट किया गया था, ताकि उसमें वॉर सेंट्स को ट्रैप किया जाए और मार दिया जाए दूसरी रेसेस के जो भी होते हैं। लिंग्यान सोच रही होती कि मैंने सोचा था कि जो वॉरलॉर्ड्स है वो यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते हैं और अलाउड नहीं होते हैं एंटर करने के लिए, पर जो कि रूल्स है टावर ऑफ सिन का, तो इसलिए मैंने जो कुछ वॉरलॉर्ड्स है वो मैंने टावर ऑफ सिन में रखे थे, फिर वो टावर ऑफ सिन में वॉर सेंट्स बन गए थे, पर फिर भी वो अपनी मौत से नहीं छूट पाए। 10 दिन के अंदर वो मर गए क्योंकि उनको कर्स इफेक्ट कर रहा था टावर के अंदर भी, इसीलिए तब से कोई भी वॉरलॉर्ड यहाँ पे नहीं आया ब्रेक थ्रू करने के लिए। जब भी कोई वॉरलॉर्ड ब्रेक थ्रू करने लगता है तो वो इस जगह से चला जाता है किसी दूसरे प्लेस पे कर्स लैंड से दूर। बड़े टाइम पहले ये जो दो थे ये सिंपल वॉरलॉर्ड नहीं थे, ये कंट्रोलर थे डीमन रेस के। ऐसा बोला जाता था कि ये ज़ुआनमिंग केव में एंटर हुए थे और चाहते थे ये एंटर करना उस केव के अंदर जब उन्हें चांस मिलेगा, पर वो दोनों वहां पे मर गए। पर ऐसा हुआ उस टाइम पे तो ये यहां पे अपने आप को कैसे दिखा रहे हैं, जिंदा कैसे हैं? वो जो वॉरसेंट होता है उनमें से एक हंस रहा उत्तर बोलता है, लिंग्यान तुम अभी भी वॉरलॉर्ड हो, तुमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि मैं जिंदा हूँ। लिंग्यान सोचती है कि ये दो कुछ भी नहीं थे मेरे सामने तब। भाईहुआन बोल रही थी, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है लिंग्यान, हमें पता कि तुम
तुमने अपनी जो कल्टीवेशन है उसे सप्रेस किया और अपनी ग्रोथ को भी, ताकि तुम यहाँ पे रह सको और जो डीमनाइट्स है उन्हें स्ट्रॉन्ग बना पाओ ताकि उन्हें कोई ओप्रेस ना करे। तुमने हमारे रेस के लिए सेक्रीफाइस किया है। लॉर्ड मी भी बोलते कि हाँ, ऐसा देखने से भी लग रहा था कि डीमंस के पास ट्रम्प कार्ड, और मुझे लग रहा है यही वो ट्रम्प कार्ड है। लिंगन बोलती कि तुमने ये कैसे किया। तो वो जो दो वॉर्सेंट्स होते हैं वो हंसते हैं जोर जोर से, सभी डीमंस हंस रहे होते हैं। तो एक वॉर्सेंट बोल रहा होता है, तुमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था है ना कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा डीमन नाइट के साथ, अब से ये टावर ऑफ सिन हमारा होगा। ये सुन के बाईहुआन, लॉर्ड मी, लिंगन तीनों घबरा जाते हैं। जो ह्यूमन सीट होल्डर होते हैं फेंक्यून और जू ही, वो बोल रहे होते हैं तो बुरा है, अब हम क्या करें। लुओ ज़ेंग उन सभी के आगे आ जाता है और बोल रहा होता है कि तुम दिमाग से पागल हो क्या, तुम्हारे ब्रेन में मसल भरे हुए हैं, तुम सोच रहे हो कि तुम बड़े ज्यादा ग्रेट हो। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक वॉर्सेंट बोल रहा होता है, तो अच्छा तुम हो लुओ ज़ेंग, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम ठीक हो गए अगर तुम्हारे पास प्रोटेक्शन है डीमनाइट्स की, या फिर तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं, तुम सिचुएशन को नहीं देख पा रहे तुम्हारे सामने। लिंगन बोल रही होती कि लुओ ज़ेंग तुम चुपचाप क्यों नहीं रहते, मैं अभी भी सोचती कि हमारे पास नेगोशिएट करने का है कुछ मौका। लिंगन बोल रही होती कि टियान क्योंग और टियान हुई, मैं केयर नहीं करती कि तुमने कैसे मैनेज किया इस टावर में एंटर करने के लिए, पर मैं तुम्हें अलाउड नहीं करती हूँ, तुम लुओ ज़ेंग को नहीं मार सकती, अगर तुम उसे मार दोगे तो हम डीमंस को ऐसे नहीं जाने देंगे। जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से समझो और सोचो, हम इसको नेगोशिएट कर सकते हैं। तो एक वॉर सेंट बोल रहा होता है कि लिंगन मेरे को लग रहा है कि तुम्हें कम्प्लीटली पता नहीं है यहाँ पे क्या चल रहा है, जो ओनली नेगोशिएशन यही है कि इस बच्चे को मरना पड़ेगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे रोकोगे हमें ऐसा करने से। वो दोनों वॉर्सेंट जो होते हैं वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, जो इंसान होते हैं वो भाग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं तो फाइट करने वाले हैं। लुओ ज़ेंग बोल रहा होता है हंसते हुए कि बस अनफॉर्चुनेट है, ऐसे तुम दो वॉर्सेंट्स हो जिन्होंने फाइनली वॉर्सेंट तक पहुंच पाए उस टावर में, पर तुम दोनों मरने वाले कुछ ही टाइम पे। लिंगन बोल रही होती है कि लुओ ज़ेंग तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। लुओ ज़ेंग बोलता हाँ ऑफ कोर्स। लिंगन बोलती है कि तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, तुम इन दोनों से फाइट कर सकते हो क्या। लुओ ज़ेंग स्माइल कर रहा होता है, लिंगन कंफ्यूज होती कि लुओ ज़ेंग करना क्या चाहता है। लुओ ज़ेंग अपनी उंगली को उठाता और ऑर्डर करता है कि तुम दोनों टावर ऑफ सिन से दफा हो जाओ। वो दोनों डीमन सोच रहे होते हैं बोल क्या रहा है, तभी वो दोनों उस टावर ऑफ सिन से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, कर्स लैंड में हो जाते हैं एंटर। वो दोनों वॉर्सेंट्स बोलते हैं ये क्या चल रहा है, वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं टावर ऑफ सिन की तरफ और बोल रहे होते हैं क्या हो रहा है। लिंगन सोच रही होती है कि रुको मुझे ये मत बोलना कि इसका कंट्रोल है पूरी तरह से टावर ऑफ सिन में। वो दोनों डीमन जल्दी से आ रहे होते हैं टावर ऑफ सिन की तरफ एंटर करने के लिए और बोल रहे होते हैं कि नहीं हमें किसी भी कीमत पे वापस आना पड़ेगा, वरना जो कर्स लैंड है हमें मार देंगी। वो जल्दी से उड़ के टावर ऑफ सिन के फर्स्ट लेवल में एंटर हो जाते हैं, बाकी सभी देख रहे होते हैं उन्हें और बोल रहे होते क्या डीमन वॉर्सेंट्स, ये तो बड़ा ज्यादा अजीब है, मैंने तो सोचा था कि वो ऐसे एंटर नहीं कर सकते टावर में। तो दूसरा बोल रहा होता है हाँ वॉर्सेंट्स होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि हम तो बड़ा ज्यादा क्लोज थे मरने से, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कर्स लैंड है इतने भी डरावने नहीं है। तो दूसरा वॉर्सेंट बोल रहा होता है तुम्हें क्या हो रहा है। तो दूसरा जो वॉर्सेंट होता है वो बोल रहा होता है कि कर्स लैंड कुछ भी नहीं है, उसकी पूरी बॉडी में कुछ होने लग पड़ता है और वो दोनों पिघल जाते हैं, वेल खत्म हो जाते हैं पूरी तरह से उस कर्स की वजह से। बाकी जो होते प्रेजेंट वो बोल रहे होते ये क्या हुआ, ये कर्स की वजह से मारे गए है ना। तो एक इंसान बोल रहा होता है कि ऐसे ही मारे नहीं गए होते, जैसे वो कर्स लैंड में एंटर करते ये टावर ऑफ सिन में कैसे एंटर कर पाए। तो दूसरा बोल रहा होता है हाँ ये तो बड़ा स्ट्रेंज है। तो एक डीमन नाइट उस ग्रुप के बीच में होती है, वो भी सोच रही होती है। फिर हमें 10th लेवल का दोबारा सीन दिखाया जाता है, मैंग टियान और मैंग चोंग और सभी डीमन चुप होते हैं, जो डीमन नाइट्स होते हैं वो भी चुप होते हैं। वो जो डीमन नाइट थी जिसने देखी होती है पूरी सिचुएशन, वो लिंगन की तरफ आती है और सबको सुना देती है उसे। लिंगन सोच रही होती है कि लुओ ज़ेंग इतने ज्यादा ट्रिक्स को कैसे हाइड कर सकता है, इसके पास तो बड़े ज्यादा सीक्रेट्स हैं, मुझे लगता है कि डीमंस कुछ कर पाएंगे इसके खिलाफ बिना हमारे इंटरवेंशन के। ये अच्छी बात है कि हमने इसे अपना एनिमी नहीं बनाया, वरना हमें बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ना था डीमंस की तरह। मैंग टियान और मैंग चोंग बड़े ज्यादा हैरान होते हैं, सोच रहे होते हैं कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा प्लान ऐसे फेल हो जाएगा। तो गाइस चैप्टर नंबर 142 इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय।